Are you ready? Chalo. Okay, bye bye. I'm excited. How was your birthday surprise? Trip cancel ho gayi thi. Happening first day in Bali. Hello my happy faces. Welcome or welcome back to my channel. Aise shakal mein mati si aapko pata hai kab aati hai jab koi travel kar raha hota hai aur international travel kar raha hota hai. To hum log abhi filhal hai Singapore ke Changi airport pe aur hamari flight abhi land hui hai. Subah ke 6 baj rahe hain. Hum nikal Delhi ke airport se T3 terminal se raat ki 9:50 ki flight li hai. Sote sote thoda sa movies TV dekhte maine kafi सारी एडिटिंग करी. हम लोग पहुंच चुके हैं सिंगापुर, बट दिस इज नॉट आवर डेस्टिनेशन एज यू ऑल नो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. हम लोग जा रहे हैं बाली. मिस्टर हस्बैंड का बर्थडे है इसलिए जा रहे हैं हम. एंड राइट नाउ वी हैव जस्ट लाइक एग्जिटेड द एयरपोर्ट. हमारी इमिग्रेशन हो गई है विच वॉज सो क्विक, लाइक सो क्विक एज कम्पेयर टू हमारा जो T3 में हुआ था, क्योंकि हमें 1.5 घंटा लग गया ये पूरा सिक्योरिटी इमिग्रेशन प्रोसेस कम्प्लीट करने में. वहाँ पे हमारा लगेज भी बिल्कुल, जब लगेज आने शुरू हुआ तो हमारा लिटरली फर्स्ट लगेज हमारा ही आया. मतलब कुछ ज़्यादा जल्दी हमारा सामान आ गया. बोले कह रहे ये क्या ही, तो आदत नहीं है इतना इतना स्मूथ हैसल फ्री होने की. हम लोग पहुंच चुके हैं. हम लोग बस देख रहे हैं कि हमारी जो फ्लाइट्स है, जो नेक्स्ट फ्लाइट है बाली की, वो कहाँ से है. सेकंड टर्मिनल पे जाना है क्या? नहीं नहीं, ये तो नीचे जा रही है, हमें ऊपर जाना है. और ये मतलब पूरा हम एयरपोर्ट एग्जिट करके, ये एक्चुअली बाहर सिटी है, बट तभी हमें वीज़ा भी चाहिए था. हमने ऑल्सो सुना है कि चंगी एयरपोर्ट बहुत अच्छा है. सोचा जब हम वापस आएंगे तब हम टाइम निकाल के एयरपोर्ट देखेंगे, बट अभी हम बस रश कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारी फ्लाइट कहाँ. एक बार पहुंच जाए ना फ्लाइट में गेट पे तो तसल्ली से फिर आप लोगों से बात करते हैं. बट यार सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप टू बिगिन. मतलब काफ़ी हैपनिंग होने वाला है. आर यू रेडी? आर यू रेडी? बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे ट्रिप हो रही है. मेरे बर्थडे पे भी घुमा दिया करो यार ऐसे. लास्ट बर्थडे पे उनको कोविड हो गया था, हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई थी. हमने कश्मीर का प्लान करा हुआ था, बट चलो कोई बात नहीं. ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, हम ऐसे पूछ पुछा के लोगों से पहुंच रहे हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है. खाली पड़ा हुआ है लिटरली. इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे पूछ रहा था कि नो पीपल इन द फ्लाइट, फ्लाइट वॉज एम्प्टी. नो द फ्लाइट वॉज फुल. तो बोल रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा इसलिए, मतलब इमिग्रेशन पर कोई आया नहीं. इतना लगेज लुगेज. ओके, बाय द वे आई एम इन माई कम्फीएस्ट एयरपोर्ट OOTD. ये जो ट्रैक पैंट्स है, ये नेस्टिमा करके एक ब्रांड है, तो मैं नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में. और भी बहुत इंटरेस्टिंग आउटफिट्स हैं, बिकॉज बहुत सही सही ब्रांड्स ने मुझे ना काफ़ी सारे साइज इंक्लूसिव चीज़ें भेजी हैं, विच इज़ जस्ट लव. सो या सुपर एक्साइटेड टू शो यू एवरीथिंग. फिलहाल हम एयरपोर्ट पे ना थोड़ा सा, मतलब एयरपोर्ट को निहार रहे हैं. बड़ा सुंदर एयरपोर्ट है यार, मतलब सही में इट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट. और मतलब देख के भी लग रहा है फैसिलिटीज़ वगैरह. हाँ, फैसिलिटीज़ वगैरह ऑल्सो लाइक सो ऑन पॉइंट. हमें कहीं वेट नहीं करना पड़ा. नाउ हमें दिख रहा है बस टू T4 दिख रहा है सामने, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं. हमने चेक कर लिया है कि हमारी जो बाली की फ्लाइट है वो टर्मिनल 4 से मिलेगी हमें, तो बस लेते हैं और पहले गेट तक पहुँचते हैं, थोड़ा सॉर्ट करते हैं. So we've just come outside. हम लोग बाहर आ चुके हैं सिंगापुर के. Hello Singapore. And our bus is here. Oh. तो अच्छा हमारी दिल्ली में पीछे से एंट्री होती है. कुछ पे करना है क्या? नहीं आई बिलीव. बस टू आवर सेल्फ. कोई नहीं है इस बस में. हम ही एक तरह से खाली खाली क्यों लग रहा है, इतना अजीब सा लग रहा है कि कोई है ही नहीं. ये है कि अब गर्मी हो गई है, तो आई एम गोना टेक आउट अ पेयर ऑफ क्लोथ्स टू चेंज. थोड़ा लाइट टी शर्ट टाइप्स कुछ पहन लेंगे क्योंकि अब गर्मी लग रही है. अब ये ना मेरा विंटर मटीरियल है. चेक इन करने से पहले अपने बाली की फ्लाइट के आई एम गोना चेंज. फील सो गुड. मैंने चेंज कर लिया, ब्रश कर लिया, मुंह धो लिया, मतलब फ्रेश हो गया एकदम. आई ऑल्सो चेंज इन टू माई शूज, इन टू माई बर्किन स्टॉक्स, क्योंकि अब शूज़ में मुझे लगा मैं बाली के फील में धीरे धीरे आ रही हूँ. बाय द वे दिस एयरपोर्ट इज सो प्रिटी. ये पीछे इतना सही सा ऐसे, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट इट्स जस्ट सो कूल. हम अपना जो लगेज है उसको चेक इन करने के बाद थोड़ा सा एयरपोर्ट घूमेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है. अभी 7 बज रहे हैं. हम लोग ना ऐसे अपनी पानी की बॉटल भी कलेक्ट कर रहे हैं. ये वॉशरूम के साइड पर बिल्कुल पानी की जगह है, तो फ्री पानी मिल रहा है, सो क्यों नहीं. और हमने एक बॉटल पूरी पी ली है हमने पानी की, क्योंकि इतनी प्यास सी लग रही थी, गला सूख रहा था. वी जस्ट रियलाइज हमने ये देखा अभी, पेटल क्लाउड्स. हम लोगों ने अपना जो बैगेज है वो चेक इन कर लिया और सब कुछ ऑटोमेटेड था. बट मतलब बैगेज की जो पर्ची लेनी होती है, जो बैगेज पे चिपकाते हैं स्टिकर, वो ऑटोमेटेड था. हमने लिटरली चेक इन खुद करा है, बंदा ही नहीं है मतलब किसी काउंटर पे. हम ना कोई जुरासिक माइल करके एक है वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए, वी डोंट नो क्या है. सी अभी हमारे पास 3 घंटे हैं, तो थोड़ा चिल मारेंगे, थोड़ा कॉफी पियेंगे, थक गए थोड़ा सा. हम लोग एयरपोर्ट से एग्जिट कर लिया है और हम यहाँ जा रहे हैं. मतलब बाली की फ्लाइट का चेक इन करके हम सिंगापुर घूम रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं हम? जुरासिक माइल 250 मीटर हम चले ही जा रहे हैं. कितना सही लग रहा था, हम इंटरनेशनल ट्रिप मार रहे हैं. अभी तो हम अपने गुड़गांव में थे, गुड़गांव की गलियों में. वी आर हियर. थोड़ा सा और वॉक है. नबुन, डू नॉट फीड द डायनासोर्स. ओके,
आए डायनासोर अंकल भाई साहब, यही है, ये माइल है, जुरासिक माइल पता क्या होगा, पूरा 1 किलोमीटर होगा जहाँ पे ये जुरासिक जुरासिक होंगे, देखना है तो माइल होता है, किलोमीटर नहीं। ओयो, इतना दूर कौन वॉक करेगा। चलो ओके बाय बाय। हाँ, वी हैव डिसाइडेड कि थोड़ा ज्यादा लंबा वॉक हो जाएगा, चलते हैं वापस क्योंकि गर्मी हो रही है और हमने कपड़े से इतने अप्रोप्रिएट नहीं पहने, गर्मी थी, बहाने ना मारो, चिल मारने का पहले कॉफी पीने का मन है। तो देख लिया हमने डायनासोर फ्रेंड्स, वेरी गुड ब्रेकफास्ट टाइम। हाँ, is having pho and I'm having some chicken and rice. काफी स्ट्रगल हुआ मुझे ऑर्डर करने में क्योंकि वो रिसीट नहीं आई, पहले कैश नोट ट्रांसफर नहीं होगा, कॉइन्स थे, फिर रिसीट नहीं आई। काफी ड्रामे हुए। Alright guys, we are here at the Oven Villas. हम लोगों ने, तो मैं बताती हूँ इसका जो प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने इसको बुक करा अगोडा से और वहाँ पे ना इंडिया के कुछ क्रेडिट कार्ड में कुछ तो इशू होता है, हमने बुक ना पे लेटर करा, मेरे को पेमेंट बार बार कैंसिल हो रही थी एंड जिस दिन हम एयरपोर्ट पे थे, मतलब कल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन लाइन पे मुझे मेल आया कि मेरी बुकिंग कैंसिल हो गई है एंड देन टेक्निकली वी डिड नॉट हैव एनी प्लेस टू स्टे इन सेमनियाक। हम लोग बाय द वे सेमनियाक पे और हम बाली पहुंच गए, मैंने बताया नहीं, मैं स्विम सूट में हमने आ भी चुकी हूँ क्योंकि हम इतने एक्साइटेड है बिकॉज हमारा रूम इतना सही है। अच्छा बाय द वे रूम बुक हुआ कैसे, फिर हमने जीजू को कॉल किया, जीजू यूएस में है तो यूएस के क्रेडिट कार्ड से उन्होंने बुक करा। फाइनली वी हैव दिस प्रॉपर्टी विद अस, ओह माय गॉड, दिस हैज लाइक अ ह्यूज एस प्राइवेट विला, देयर इज दिस लिविंग रूम एंड देन देयर इज प्लेस टू चिल, एंड अपन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैविंग हिज बियर, बेडरूम भी है, सो लेट मी जस्ट शो यू द एंटायर रूम टूर एंड देन लेट्स डाइव इनटू द पूल। ऑलराइट, सो दैट इज वेयर वी एंटर द रूम फ्रॉम। यहाँ पे एक छोटा सा ना लिविंग एरिया बनाया हुआ है, टीवी है जो कि कौन देखेगा, यहाँ पे किचन है कि कौन बनाएगा खाना, ऑफ कोर्स हम नहीं बनाएंगे, हम बाहर से खाएंगे। ये बैठने का डाइनिंग टेबल है, इज आल्सो अ वॉशरूम हियर, पूल वगैरह यूज करने के बाद फ्रिज एंड देन ओह माय गॉड, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम। चेयर्स, हाउ डू यू लाइक इट, हाउ इज योर बर्थडे सरप्राइज, कैसा लग रहा है तुम्हें, यू हैड मतलब लाइक दिस इज एवरीथिंग दैट आई बुक्ड राइट, सो यू डिड नॉट लाइक क्वाइट नो अबाउट इट एंड आई सर्च्ड फॉर दिस। पूल में कब जंप मार रहे हो ये बताओ। यहाँ से ऐसे चल के यहाँ पे आपको मिलता है बेडरूम, बेडरूम का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हम भी अपने सूटकेस वगैरह बस ऐसी कर लेंगे, हमें हम फटाफट पूल में जाएं। यहाँ पे मैंने उनको बोला था स्पेशल थोड़ा सा डेकोरेशन कर दें निपुन के लिए, बट पते की बात यह है कि वो बुकिंग कैंसिल हो गई थी बट उनको स्टिल एक गुड रिलेट की रिधि अरोड़ा के नाम पे बुकिंग है तो उन्होंने दे दिया एंड दिस साइड की हमें पता कि बर्थडे कल है बट हमने आज ही डेकोरेशन कर दिया विद ऑल दिस। देन यहाँ पे एक ऐसे बालकनी टाइप है बट वी डोंट गो हियर एंड देन देयर इज दिस वॉशरूम व्हिच यू नो हैज अ ह्यूज टब। यहाँ पे आपका एक पूरा बाहर नहाने का एरिया है जो बाहर आवाज भी आ रही है, निपुनी है वहाँ पे बेसिकली। वैसे तो मैं अपनी अभी दिखाऊंगी जो मैंने स्विम वेयर पहना है, इसको मोनो की नहीं बोलते हैं बेसिकली। ओह, निपुन ऑलरेडी पूल में है। अच्छा बाय द वे, हमें इतना ट्रैफिक मिला है, 1.5 घंटा तो हम टैक्सी में बैठे हुए थे, हम अपनी स्कूटी रेंट करेंगे बिकॉज बहुत मुश्किल है ऐसे कैब में बैठना, तो ऑफकोर्स हमने कैब सोचा था कि हम लंच करने जाएंगे एंड ऑल दैट और पूल देखते ही वी आर लाइक हम घुस रहे हैं। बाय द वे, आई वाज सेइंग दिस मोनोकिनी इज फ्रॉम बीच बोनीता, ये मैंने वहां से उनसे खरीदी है। एक्चुअली फ्यू ऑफ यू ओनली सजेस्टेड कि यू नो बीच बोनीता पे आप प्लस साइज बिकिनी देख सकते हो, मोनोकिनीज देख सकते हो एंड व्हेन आई चेक देयर प्रोफाइल आई लाइक्ड इट एंड यू नो दिस इज व्हाट आई एम गोना शो यू इन सम टाइम, बट या नाउ Let's just dive into a pool. Swimming to karke dikhao, aise kaise? Go for it. While I'm just like sitting here and chilling. By the way, हमने पूछा है अभी यहाँ पे जो होटल प्रॉपर्टी है वो भी स्कूटी देता है, हमने अपने टैक्सी ड्राइवर से पूछा था कि स्कूटी कितने की मिलेगी, इज दैट 150,000 और यहाँ पे वो बोल रहे हैं 50,000। हमारे टैक्सी ड्राइवर ने हमें थोड़ा लूटने की कोशिश करी है, पर डे कॉस्ट बाय द वे। Okay, we want to go to Tanalot temple. Is it too late to go now? If you want sunset, it's too late, yeah. Hey, चलता है क्या? Hey, lift देगा क्या? Oh my God, this is too much happening on my face right now. ये क्या है? गर्मी इतनी लग रही है मेरे को इसमें. Safety first. तो हम लोगों ने स्कूटी ले ली है होटल से ही विद 50,000 पर डे। अभी हम लोग we just try to figure out कि हम कहाँ जाएं। We are thinking of going to Tanalot temple, but 5 बज गए हैं and they are saying कि 7 बजे वो क्लोज हो जाता है टेम्पल, इतनी अलाउड नहीं होती, तो अब देखते हैं यहाँ से 45 मिनट्स का रास्ता है, इतने टाइम बाद स्कूटी पे बैठ रहे हैं। Are you ready? अभी हम सबसे पहले सिम लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कहाँ जाना है। सो या जस्ट लेट्स गो।
ओके तो सिम इज डन फाइनली हैव सम नेटवर्क गूगल मैप चला सकते हैं अब और अब हम जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने हमने वही चलो रोड का प्लान कैंसिल कर दिया बिकॉज हम बहुत लेट हो गए हैं वी आर गोइंग टू ट्राई दिस प्लेस वारंग यूरोपा अच्छा लग रहा है ना थोड़ा नेट आया ना थोड़ा अच्छा लगता है कुछ आप देख सकते हो गूगल मैप पे कुछ चेक कर सकते हो चलो लेट्स सी ये कैसा है ट्राइंग डक कुछ बहुत बहुत स्पाइसी है वी आर आल्सो ट्राइंग प्रॉन क्रैकर्स व्हिच आर लाइक क्वाइट यम्मी और हैविंग मार्टिनी लेट्स डिग इन Starting to rain so much, इतनी तेज बारिश हो गई एकदम से लेकिन जस्ट गॉट टू ग्रैब द हेलमेट्स बिकॉज हमारे स्कूटी पे लगे हुए थे सारे हेलमेट्स वॉट एबल टू सेव देम और नो मेरा हेलमेट गिरा तो मैं तुम्हारा तो मेरा यूज कर लेना मैं तुम्हारा यूज कर जस्ट हैड अ ग्रेट मसाज हाउ वाज योर मसाज बारिश में भीगे हुए मतलब लिटरली हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हैं अभी इस वक्त बट बहुत फेमस आज था जस्ट लिटिल बिट ऑफ क्लब हॉपिंग दैट्स हैपनिंग एक्चुअली क्लब हॉपिंग नहीं कैफे हॉपिंग हो रहा है बाय द वे जस्ट अ बैकग्राउंड वी बोथ गॉट लाइक अ रियली कूल बॉडी मसाज लाइक फुल बॉडी मसाज कर कितने में 320,000 में एंड नेपोल एज यूजुअल हाफ वे थ्रू द मसाज आई स्लाइटली लाइक जैसे मतलब थोड़ा of the place as you can see the vibe hamare is place ke and then this is what we have ordered my god we have ordered this vietnamese roll I think I don't know what this is but it's basically just rice paper veggies in this and this is a peanut sauce along with it khali ho gayi sadak no traffic हेलो पीपल दो दो बार मसाज कराने वाले ये जनता आई थिंक दैट्स द डील हम लोग जो थाईलैंड भी गए थे तो हम ज्यादा हम लिटरली रोज मसाज कराते थे और यहाँ पे भी मतलब 11:30, 11:30, 1 बजे तक भी खुली है कई कई मसाज पार्लर ये अब हम बस आए हैं क्योंकि हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हुए थे क्योंकि हम भीग गए थे इन आदमी का हैप्पी बर्थडे डिनर करने जा रहे हैं हाँ बस लाइक लिटरली जस्ट चेंज इन टू लाइक सम रिलैक्स्ड क्लोथ्स वापस से अपनी स्कूटी पे जाएंगे कहाँ जाएंगे शायद पेटनांग बीच जाएंगे नॉट श्योर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट बीच देख कर आते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ही टहलेंगे हैपनिंग फर्स्ट डे इन बाली ऐसे खुली खुली सी टॉप है दिस आई एम वेयरिंग बाय सिंड्रेला करके एक ब्रांड है उन्होंने मुझे दो तीन चीजें भेजी है वन ऑफ देम इज दिस व्हिच आई एक्चुअली थॉट कि मैं इसको कवर अप की तरह यूज करूंगी अभी बिकिनी के ऊपर बट अभी मेरे को लग रहा है कि मैं इसको ऐसे भी पहन सकती हूँ सो या समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं बट वी आर हियर एट पोटैटो हेड बीच क्लब हे ऑल इट्स 2 AM एट नाइट एंड वी जस्ट गॉट बैक होम मेरे बाल ऐसे ना स्कूटी पे बैठ बैठ के पता नहीं क्या कबाड़ा हो चुके हैं बट एनी हू आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर आई थिंक टुडे हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब पता नहीं क्या क्या हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं सिंगापुर और बाली में बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द व्लॉग सो स्टे ट्यून्ड एंड टुमारो वी जस्ट गोना थिंक हम क्या करने वाले हैं वी डोंट हैव लाइक एनी प्लान आइटिनररी एज सच बट वी गोना फिगर आउट बट फॉर नाउ आई थिंक वी जस्ट गोना डू अ डिप इन द पूल आउटसाइड आई एम गोना सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नीचे मैं डिटेल्स वगैरह डाल दूंगी जितनी मैं डाल सकती हूँ कि यू नो कैसे हमने कहाँ रुके हैं एंड ऑल दैट आई एम गोना सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो बाय वी आर ऑन वे टू द टेंपल हियर वी गो अगेन हियर वी गो अगेन